गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम ग्रामर का टॉपिक जो शुरू किया है हमने, टू बी, ये इसका हमारा थर्ड पार्ट है। कैसे है थर्ड पार्ट? क्योंकि हम टू बी की फॉर्म जो प्रेजेंट कर चुके हैं, इज, एम, आर, उनका हम यूज कर चुके हैं। आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो कह सकते हैं हम टू बी का, आज हम पास्ट टेंस करेंगे, जिसके अंदर वाज और वर का प्रयोग आज हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि वाज का मतलब क्या होता है। वाज का मतलब होता है था या थी, ठीक है। उसके बाद है वर। वर का मतलब क्या होता है? थे, ठीक है। तो ये इनके वर्ड भी हो गए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, उसके अंदर हम वाज और वर का प्रयोग कैसे करेंगे। वाज और वर का प्रयोग हमेशा पास्ट के अंदर किया जाता है। पास्ट मतलब भूतकाल। जैसे मैं खुश था, मैं खुश था। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पीछे आया है था, यानी कि ये क्रिया बता रहा है हमें कि किस समय की गई थी। तो मैं खुश था कि पहले खुश था, अब हूं या नहीं इसका हमें कोई पता नहीं, लेकिन मैं खुश था। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? था मतलब वाज, ठीक है। था या थी आता है, तो इसका मतलब हम वाज का प्रयोग करेंगे। और वाज कैसे लगा हमें पता लगा है क्योंकि मैं यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, वाज, और उसके बाद बचाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में रूल बनाने का जो नियम है वो होता है एस वी ओ। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम एस वी ओ का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, मींस मैं। अब हम लेंगे आई के साथ वाज या वर, क्या लगता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाज कहां लगाना है और वर कहां लगाना है। तो हम बात करें आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या है? थर्ड पर्सन के अंदर हमारा जो सिंगुलर नाउन है, कौन कौन से? ही, शी, इट, किसी का नेम या कोई भी एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। बाकी जो हमारे प्लुरल बस जाते हैं, प्लुरल के साथ और सेकंड पर्सन जैसे यू है उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, क्लियर है इतना। तो हम वाक्य शुरू करते हैं। हमारा सेंटेंस था मैं खुश था, तो इसके लिए मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो सबसे पहले क्या आएगा? आई, और आई के बाद आई के साथ क्या लगाते हैं हम? वॉज। आई वॉज हैप्पी। ये हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाता है, मैं खुश था, ठीक है। वह खुश था, he was happy, वह खुश थी, she was happy, ठीक है। तो जैसे राम खुश था तो राम was happy, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस आप बना सकते हो। वह एक लड़का था, तो हम किसके लिए क्या करेंगे? वह means he was a boy, ठीक है। वह लड़की थी, सी वॉज अ गर्ल। तो इस प्रकार हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कर दिया कि वाक्य ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, अब हम इसको प्लुरल में लिख दे रहे थे, सिंपल सेंटेंस में ही, वे खुश थे। तो हमने यहां पर देखा, यहां पर शब्द आया है थे, मीन्स बहुवचन, और वे तो है ही बहुवचन, ज्यादा थे। तो वे को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे, और दे के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वाज का या वर का? वर का, वेरी गुड। दे वर हैप्पी,
और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप. क्लियर है? दे वर हैप्पी, वे खुश थे. यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए. अब हम इनका नेगेटिव सेंटेंस अगर करके देखें, नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग हम करते हैं और वह क्या कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस. जैसे हमारे वाक्य था मैं खुश था, अब हम यहां वाक्य बनाते हैं कि मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आया है शब्द नहीं, नहीं को हम लिखेंगे नोट, और नोट कहां पर लगाएंगे हम, जैसे आई वाज और इस वाज या वर के बाद. ठीक है, जैसे ही हमारी वर्ब आती है वर्ब के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं. आई वाज नोट हैप्पी, और अंत में यहां पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. उसके बाद हम दूसरा वाक्य लेते हैं, वे खुश थे. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. अगर हम इसका नेगेटिव बनाए कि वे खुश नहीं थे, तब हम क्या करेंगे, दे वर, वाज वर के बाद तुरंत नॉट, दे वर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं थे. ठीक है, हम खुश नहीं थे, वी वर नॉट हैप्पी, राधा खुश नहीं थी, राधा वाज नॉट हैप्पी. ठीक है, वे सब खुश नहीं थे, दे वर ऑल नॉट हैप्पी. ठीक है, तो हम इस प्रकार वाज और वर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इन्हीं के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ये हमारे प्रेजेंट के वाक्य है, क्योंकि इनके पीछे क्या लगता है. ठीक है, अगर मैं यहीं पर कर देता हूं था, तो ये किस प्रकार के वाक्य बन जाते हैं, पास्ट की. जैसा हमने प्रेजेंट में किया था कि नेगेटिव और नो सॉरी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे हमने लगाई थी इज एम आर, तो हम उनको आगे ले आए थे. इसी प्रकार जो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करेंगे पास्ट का, उसमें हम वाज और वर्ब को आगे ले आते हैं. जैसे क्या वह खुश था, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह खुश था. अब हम यहां पे क्या प्रयोग हुआ है, सिर्फ क्या वह खुश था, ये सिंपल सेंटेंस था हमारा. लगा दिया हमने इसके आगे क्या और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो हम सब्जेक्ट देखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा वह, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम वाज, तो हम वाज को पहले आगे ले आएंगे. वाज ही हैप्पी, और उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, वाज ही हैप्पी, क्या वह खुश था. और अगर हम इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाए, क्या वह खुश नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात नोट लगा देंगे यहां पर, और वाक्य बन जाता है हमारा वाज ही नोट हैप्पी, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. क्लियर है? तो इस प्रकार हम इन वाज और वर का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, तो आप भी इनको घर पे बनाएं, सेंटेंस बनाएं, आप डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उन शब्दों में आप वाज और वर का प्रयोग करके देखें. जैसे वह लड़की थी, सी वाज गर्ल. ठीक है, वे बच्चे थे, दे वर चिल्ड्रन. ठीक है, इस प्रकार हम वाक्य बनाने सीख जाएंगे. ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय.